नमस्कार दोस्तों, विनू किचन में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है सूजी के दही बल्ले, जो बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और अच्छे बनते हैं। इजीली घर में बन जाते हैं फटाफट। इसमें ना हमें देखना पड़ता है कि भाई दाल भिगोई हुई नहीं है, ये है वो है, फटाफट बना सकते हैं। जब भी हमारा दही बल्ले खाने का मन करे, हम सूजी भिगोई और दही बल्ले तैयार हो जाते हैं। यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 या 25 मिनट में दही बल्ले बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। चलिए दोस्तों, आज हम सूजी के दही बल्ले बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी के दही बल्ले बनाने के लिए हमने फटा हुआ दही लिया है 1 लीटर। इसको हमने फेंट लिया है अच्छे से, मिक्सी में नहीं फेंटना है। मिक्सी में फेंटे हुए दही ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर दही बल्लों में अच्छा नहीं लगता। तो ये दही हमने फेंट लिया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, ली है मैंने। आप चीनी थोड़ी सी कम या ज़्यादा ले सकते हो, मैंने आधा कप लिया है। इसमें थोड़ी सी चीनी ज़्यादा होती है तो ही अच्छी लगती है। इसमें डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे और दही को हम साइड में रख देंगे। ये हमारा दही का काम हो गया। और 1 कटोरी सूजी ली है। 1 कटोरी सूजी में हम डालेंगे आधा कटोरी दही। अगर आप 2 कटोरी सूजी ले रहे हो तो 1 कटोरी दही ले लेना, यानी क्वांटिटी इनकी डबल कर सकते हैं, ज्यादा दही बल्ले बनाने हैं तो। और भुना हुआ जीरा पाउडर, लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, नमक अपने टेस्ट के अनुसार कम थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो। और ये लिया मैंने मीठा सोडा 1/4 चम्मच। तो हम सबसे पहले ये सूजी एक कटोरी लेंगे, बड़ी बाउल लेंगे और इसमें डाल देंगे और इसी में ये दही डाल देंगे हम। दही डाल दिया, नमक भी डाल लेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे इसमें अभी। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। बहुत ही सॉफ्ट स्वादिष्ट दही बल्ले बनते हैं। लगभग ये 20-25 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा आधे घंटा लगता है बस इनमें। अब इनमें दही को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बनाएंगे हम। थोड़ा सा पानी वो डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लंप्स या गुठलियां नहीं रहनी चाहिए। ज्यादा पतला घोल नहीं करना है हमें इसका। आप देख सकते हो इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। अब हमें इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो 10 मिनट के लिए रखेंगे ना, 15 मिनट भी रख सकते हैं इसको, लेकिन 10 मिनट में भी अच्छे बन जाते हैं। मैं यहाँ 10 मिनट के लिए रखूंगी। तो इसको हम ढक के साइड में रख देते हैं। और हमें तेल चाहिएगा फ्राई करने के लिए, बस इतना ही चाहिए दही बल्लों के लिए। और बहुत ही स्वादिष्ट दही बल्ले बनते हैं ये। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। अब 10 मिनट हो गए हैं हमारे घोल को और सूजी अच्छे से सेट हो गई है, आप देख सकते हो। अगर ज़्यादा गाढ़ी हो जाए तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो आप। अच्छे से फूल गई है हमारी सूजी, लेकिन ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, ठीक है, इतनी ही चाहिए हमें। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो, अगर ज़्यादा गाढ़ी रह जाए तो आपकी। और अब हम इसमें ये मीठा सोडा डाल लेंगे इस तरह से और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, आप देख सकते हो इसमें बबल्स से आ रहे हैं, फूली हुई है हमारी सूजी, अच्छे से फूल गई है। और अब हम इसको तेल गर्म होने के लिए चला रखा है, इसके दही बल्ले फ्राई कर लेंगे। तेल हमने पहले से चढ़ा रखा था, अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा इसमें डाल के देखेंगे इस तरह से। देखिए, इतना ही गर्म चाहिए, हम ज्यादा गर्म नहीं करेंगे तेल को। अब इसमें हम दही बल्ले डाल लेते हैं। तो इस तरह से हम हाथ से लेंगे इस तरह से, और थोड़े बड़े बड़े से साइज आप थोड़ी सी अपने पसंद के अनुसार थोड़ी छोटी बड़ी भी कर सकते हो।
अगर हम हाथ से डालेंगे तो बहुत ही अच्छी शेप आती है दही बल्ले की। तो इस तरह से हम डाल लेंगे, जितनी हमारी कढ़ाई में आएंगे उतने डाल लेंगे हम। गैस हम यहाँ ज्यादा हाई नहीं रखेंगे, मीडियम ही रखेंगे, ना लो रखेंगे। लो रखेंगे तो ये अंदर तक ही में तेल चला जाएगा, और हाई रखेंगे तो ये अंदर से सिकेंगे नहीं। अब हम इनको हल्का हल्का सा इस तरह तेल भी डाल सकते हैं इनके ऊपर, और एकदम उसी टाइम नहीं हिलाएंगे, एक दो मिनट के लिए ऐसे ही सिकने देंगे, उसके बाद हिलाएंगे इनको। धीरे धीरे ऐसे करके ये देखिए इस तरह से हम उलट लेंगे इनको, पलट देंगे, धीरे धीरे पलटेंगे। अगर दाते हम हिला देंगे तो करछी लगा देंगे इनके तो ये फट जाएंगे हमारे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसमें इस तरह से हिलाएंगे इनको, सिकने देंगे, फिर इनको पलट पलट के इसी तरह ब्राउन होने तक सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इनको हिला हिला के और फ्राई कर लिए, ये एकदम ब्राउन हो गए हैं, पक गए हैं हमारे दही बल्ले। इनको पकने में 3 से 4 मिनट लगी मीडियम गैस पे। ये देखिए आप कितने अच्छे दही बल्ले बने हैं, कितने सुनहरा कलर आ गया है इनका। बस ज़्यादा डार्क नहीं करना, ये पक गए हैं अंदर से, ब्राउन होने तक पक जाते हैं। अगर मीडियम गैस पे हम पका रहे हैं तो इतने में पक जाते हैं, अगर हाई पे पकाएंगे तो ऊपर से जल जाते हैं, फिर डार्क हो जाते हैं, फिर सुंदर भी नहीं लगते दिखने में भी, और खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो हम मीडियम आंच पे ही पकाएंगे इस तरह से, और आप देख सकते हो कितने अच्छे दही बल्ले बने हैं। इसी तरह से हम दूसरे दही बल्ले डाल लेंगे इसमें, और घोल डालेंगे इसी तरह से, और आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं ये देखने में भी। और अब इसी तरह से हम और डालते हैं इसमें। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे दही बड़े तल गए पूरे, हमने इनको तल लिया, अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इनको थोड़े से गुनगुने पानी में डालेंगे, ज़्यादा गर्म पानी नहीं है और ठंडा भी नहीं लेंगे, गुनगुना सा पानी डालेंगे और 2 मिनट के लिए डालेंगे इसमें। तो हम इनको पानी में डाल देते हैं दही बल्लों को, इनका एक्स्ट्रा तेल वो भी निकल जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डाल देंगे, पानी इतना लेंगे कि हमारे दही बल्ले अच्छे से डूब जाएं, और हमारे दही बल्ले इस पानी में डूब गए हैं। अब हम इनको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे, बस सिर्फ 2 मिनट ही छोड़ना है, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, 2 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो गए हैं और हमारे दही बल्ले एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इनको इस तरह से थोड़ा इनका पानी निकालेंगे, इस तरह से हल्के हल्के हाथ से दबा के, और एक ट्रे में या प्लेट में निकाल लेंगे इनको, इस तरह से हल्के हाथ से ही दबाएंगे, बस 2 मिनट के लिए ही पानी में डालेंगे इनको। और इसी तरह से हम सारे दही बल्ले निकाल लेंगे, ये देख सकते हो आप कितने सॉफ्ट दही बल्ले बने हैं, बिल्कुल दाल से भी टेस्टी बने हैं, दाल के जैसे सॉफ्ट दही बल्ले बनते हैं टेस्टी, उनके जैसे ही बने हैं ये, मेरे को तो उनसे भी अच्छे लगते हैं, कि इनके बनाने में भी बिल्कुल टाइम नहीं लगता, प्रॉपर बन के तैयार हो जाते हैं ईजीली, इसलिए बहुत ही अच्छे रहते हैं, जब भी मन किया अपना बना के खा लिया। और अब इनको खाने के लिए परोसेंगे हम, एक प्लेट लेंगे और इस तरह से इसमें दही बल्ले रखेंगे, जितना भी आप सर्व कर रहे हो खाना चाह रहे हो। इस तरह से मैंने 4 दही बल्ले रखे हैं, और जो दही लिया था हमने मिक्स किया था चीनी वाला, उसको और अच्छे से मिक्स कर देंगे, और ये दही डालेंगे इसमें। खूब सारा दही डालेंगे, दही खूब सारा ही अच्छा लगता है दही बल्लों में। और अब डालेंगे इस पे जीरा पाउडर, जो हमने भुना हुआ जीरा पाउडर लिया था वो डाल देंगे, और ये लाल मिर्च भी डाल देंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चटनी, ये मिक्स चटनी है, ग्रीन और रेड दोनों मिक्स चटनी बनाई हुई है, आप चाहो तो इसमें रेड चटनी भी डाल सकते हो, और तीखी चटनी भी डाल सकते हो, और मीठी भी डाल सकते हो। वैसे दही मीठा रहता है तो इसमें मीठी चटनी डालने की ज़रूरत नहीं होती,
मैं यहाँ तीखी चटनी डाल रही हूँ, आप ग्रीन चटनी या रेड चटनी कोई सी भी चटनी डाल सकते हो, और भी अपने चॉइस के अनुसार आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हो, और भी जो भी आप खाना पसंद करते हो वो डाल सकते हो। और अब यहाँ लास्ट में मैं डाल रही हूँ अनार के दाने थोड़े से, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालिए नहीं चाहो तो नहीं डालना, पर इनसे थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये हमारे दही भल्ले बिल्कुल तैयार, लीजिए दोस्तों खाइए दही भल्ले एकदम ठंडे ठंडे, गर्मियों का मौसम है, बहुत ही अच्छे लगते हैं, एक बार जरूर ट्राई करना दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट भी देना, कमेंट जरूर देना चाहिए प्यारे से दो, या जैसा भी आपको लगता है वैसा देना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई रेसिपी।